अच्छा आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने अपनी बहनों का कत्ल कैसे किए? मैंने पिस्टल पकड़ा और मैंने ठाठा मारा उनको, बस पिस्टल पकड़ा और ठाठा करके मारे हैं आप? मारे चार लोगों को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, हमारे साथ एक मुलज़िमा यहाँ पर मौजूद हैं, साथ में दो ख़वातीन पुलिस भी मौजूद हैं। ये इस वक्त हवालात में हैं और बहुत मुश्किल से ये इंटरव्यू इसी चो साहिबा की बदौलत में ये ले रहा हूँ, लेकिन इस वक्त वो गश पे हैं। मैं कोशिश करूँगा अगर वो टाइम पे आई तो मैं उसका भी इंटरव्यू लूँगा। इस वक्त हमारे साथ ये बहन मौजूद हैं, अपने चार बहनों को इन्होंने कत्ल किया है। कत्ल कैसे किया है और किस वजह से किए हैं? पबजी की वजह से। तो मैं जानना चाहता हूं कि आया ये वाकयात कैसे हैं और इनको गिरफ्तार कैसे किए? जी आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस वक्त कहां पर खड़ी? मैं मेडिसिन लेने खड़ी। मेडिसिन लेने के लिए? क्या मैं समझा नहीं, आप इस वक्त मेडिसिन लेने के लिए आए? हाँ, मैं हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने खड़ी हूँ। ये आप ये कह रही कि मैं मेडिसिन, क्या इसका साइको? थोड़ी साइको है, दिमाग ही थोड़ा ही लाओ इसका। अच्छा, दिमाग की थोड़ा मतलब आप थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब जी। अच्छा आप मुझे ये बता सकती हैं, अपना नाम बता सकती हैं? मेरा नाम आसमा है। अच्छा, आसमा नहीं है, आयशा। आयशा, आयशा नाम जी है? आसमा नाम है, पागल है आयशा। ये पागल है जी, गलत क्यों बता रही है अपना नाम? मेरा नाम आसमा है, ये झूठ बोल रही है। क्या आपने पबजी पे अपना नाम ये लिखा हुआ? मेरा नाम आसमा है, मैं हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने के लिए आई हूं। अच्छा अच्छा, ये कह रहे कि आप पागल है? ये हां, ये कह रही है। अच्छा ये पागल है? हां। अच्छा ये पागल है आप, बस ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपको पता है आपके चार बहनें फौत हो गए, आपकी वजह से आपने कत्ल किए? नहीं, वो तो घर में। घर में? हां। कौन से घर में? घर में, वो तो मैं तो मेडिसिन लेने के लिए आई हूं। अच्छा वो अपने घर में? वो घर में। अच्छा ये कह रहे कि वो बहने अपने घर में? आपने उनका कत्ल कर दिया? नहीं, मैंने नहीं किया उनका कत्ल, मैं तो पबजी गेम खेल रही थी। पबजी गेम खेल रही? हाँ। थी तो पबजी गेम, यही तो मसला है ना। आप कहती हो कि मैं नहीं हूँ, चलो आपके सामने हम बार बार ये बात नहीं दोहराते कि आप साइको ये वो हो। आप मुझे बताइए, आप शादी शुदा हैं? नहीं। बच्चे हैं? नहीं। आपके बच्चे नहीं हैं? नहीं। अच्छा अच्छा आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने अपनी बहनों का कत्ल कैसे किए? मैंने नहीं किया, मैंने पबजी गेम खेल रही थी, मैंने उसमें चार कत्ल किए हैं। पबजी में आपने चार लोगों को कत्ल किए? मैंने पिस्टल पकड़ा और मैंने ठाठा मारा उनको, बस पिस्टल पकड़ा और ठाठा करके मारे हैं आप? मारे चार लोगों को पबजी गेम में। ये पबजी गेम में आपने नहीं मारे, आपने अपने चार बहनों का कत्ल किए, उनको मारा है पिस्टल से? मारा है? मैंने नहीं मारा, मेरे बहने घर में है, मैंने पबजी गेम में चार लोग मारे हम सिर्फ। अच्छा आप लोगों ने इनको पकड़ा कैसे? हम अंदर गए हैं, मैडम थे साथ, और लाशों का ढेर लगा हुआ था और ये पास बैठ के बीच में पबजी खेल रहे, इनको पता ही नहीं है कि लाशें पड़ी हैं। और मोहल्ले वाले और इर्द गिर्द के लोग वो इनको बाहर से देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं इनको, वो खुद खौफ में थे। अच्छा बिल्कुल। अच्छा आपके भाई हैं? हैं। कहाँ पर हैं? सऊदीया में। और अब्बू? अब्बू भी सऊदीया में। तो पिस्टल आपने कैसे उठाई पबजी के अंदर, मोबाइल के अंदर आप पिस्टल में गई? मोबाइल के अंदर मैंने पबजी में चार लोग मारे। नहीं, ये पिस्टल जो है मोबाइल के अंदर था? हाँ, मैंने अंदर से पकड़ा था मोबाइल। अच्छा ये आप लोगों ने कोई इन्वेस्टिगेशन इसमें किया कि या इन्वेस्टिगेशन जारी है कि ये पिस्टल इनके पास आई कहाँ से, इनको दिया किसने? फिलहाल तो इनका पीछे से मसलन के कोई आया ही नहीं जिससे पूछा जाए, या कोई घर वाला भड़ा हो तो घर की तलाशी करने पिस्टल मिला है, लेकिन ये इतनी ये मेंटली तौर पर अभी इतनी डिस्टर्ब है कि ये कुछ बता नहीं पा रही और मेंटली तौर पर ठीक है नहीं, तो हम इनसे क्या पूछें? फिल वक्त इनके जहन में सिर्फ ना पबजी के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा कोई मारा पीटा है आप लोगों ने इनको? नहीं नहीं मारा। नहीं मारा। अच्छा ये जो जो भी बातें कर रही है, मतलब ये कह रही है कि मैं मेडिसिन ये वो, तो ये मतलब ये सारा इनको पता ही नहीं है? कुछ भी नहीं पता, सिर्फ पबजी के बारे में पूछा वो सब बताएगी। अच्छा आपको पता है कि आपके आप यही बार बार कह रहे हो कि मेरे बहने घर पे हैं? मेरी बहने घर पे हैं, मैं पबजी गेम खेल रही थी और इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया कि तुम पबजी गेम क्यों खेल रही हो। नहीं, पबजी गेम पे आपको नहीं पकड़ा, इस पे पकड़ा है कि आपने अपने चार बहनों का कत्ल किया है।
नहीं मैंने नहीं किया, मैं तो उनके साथ गेम खेल रही थी। किसने किया? मैं पबजी गेम खेल रही थी उनके साथ, इन्होंने किया होगा। इन्होंने किया? अच्छा अच्छा, ये पुलिस वाले ये आके आपके घर में इन्होंने कत्ल किया? इन्होंने किया। अच्छा, आप मुझे बताएं कि मोबाइल के अंदर पिस्टल उठाना, फिर टाटा करके मारना, कैसे मारा ये आप नाज़रीन को बता सकते हैं? क्या आप पबजी में क्या क्या खेलती हैं? मैं पबजी में गेम खेल रही थी तो मेरे पास मैं दराज पड़ा हुआ था, मैंने उसमें से पिस्टल पकड़ा और मेरे सामने चार लोग थे, मैंने पकड़ के उनको ठाठा मार दिया पबजी गेम में। इससे पहले आपने कभी ठाठा करके किसी को मारा? नहीं, मैंने मारती रही हूँ पर ये मैंने खुद पास बैठ के मैंने मारा पबजी गेम। अच्छा, ये जो बात कर रही है मतलब ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पा रही है, आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन किए हैं या जो भी, अब मैं इंशाल्लाह इनके घर भी जाके इनकी वालदा से भी इंटरव्यू करूँगा, अगर इनके भाई इनके अब्बू सऊदी अरब से आएँ उनका भी मैं इंशाल्लाह इंटरव्यू करूँगा, इनके घर जाऊँगा, लेकिन इस वक्त गम का एक समय है इनके घर में तो मुझे अभी जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जितना भी आप लोगों को शवाहिद मिले, मैडम साहिब आए मैं उनसे भी इंशाल्लाह मुलाकात करूंगा, लेकिन आप लोग हमारे जो नादान आवाम हैं, जो हमारे औरतें हैं बहनें हैं, उनको आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज तो यही है, आप बड़ों को अपने बच्चों को मोबाइल से भी दूर रखें और पबजी तो बिल्कुल भी ना खेलने दें, क्योंकि ये सब कुछ जो इन मुश्तरमा के साथ हुआ है पबजी की वजह से ही हुआ है। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत पबजी नहीं खेलनी चाहिए। अच्छा नाज़रीन, हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हम लास्ट में ये ज़रूर बताते हैं आप लोगों को, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो तो हमारा एक मिशन एक मकसद ये है कि लोगों तक एक मैसेज पहुंचाए, तो हम इस प्रोग्राम के विसातत से आप लोगों को एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, और ये जो पबजी हैं ये बहुत से लोगों की जिंदगियां ले चुके, कोई ख़ुदकशी कर रहे हैं, कोई किसी को मार रहे हैं, कोई इसमें पागल हो जाते हैं, बहुत से ऐसे केसेस पाकिस्तान में आए हैं कि पबजी की वजह से बहुत से गरे बर्बाद हो चुके हैं। तो आप जवान नस्ल को तबाह कर रही हैं, ये हमारे जवान नस्ल को तबाह। अच्छा, आप लोगों को इसके इससे पहले कोई केस ऐसे आए पबजी के हवाले से? हाँ सर, पबजी के हवाले से अक्सर केस आते रहते हैं, अक्सर केस आते हैं। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारा एक मैसेज है और बाकी आप लोगों ने उस पर अमल करना, ये आप लोगों का एक फ़र्ज़ है, हमारा काम है ऐसे मैसेज आप लोगों को देना, बाकी आप लोगों का काम है। तब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।